नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर कोरा ज्ञान चैनल पर। बाहर का खाना किसे पसंद नहीं होता है? हर किसी ने कभी ना कभी बाहर का खाना खाया होगा, मगर आपको पता है ये खाना कैसे बनाया जाता है? खाना बनाते वक्त हम में से कोई ये नहीं देखता है कि खाने में या फिर गोलगप्पों में टेस्ट को बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है, मगर आपका ये वीडियो देखने के बाद बाहर खाने का इरादा बदल जाएगा, क्योंकि आगे वीडियो में हम ऐसी चीज़ें दिखाएंगे कि आप भी बोलेंगे कि हम आज तक क्या खा रहे थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इन चाचा के हाथों से बने और उनके बगल में नमक मिर्च से सनकर तेल में करारे होते इन पकौड़ों को तो देखो, ये गंदगी देखकर आ गई ना उल्टियाँ। पर सारी उल्टियाँ अगर आप इसी अनहाइजीनिक स्ट्रीट फूड पर वेस्ट कर दोगे तो इन चाचा का क्या होगा, जो बस आपके लिए दुनिया की नजरों से छुपकर भरी दोपहरी में नाले के काले पर मिनरल वाटर से आपके लिए सब्जियों को धुलकर लाते हैं। हाँ, छी चाचा है, जितना भी कर लो, पर यही सच्चाई है। लेकिन ये तो बस दो थे। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आज इंडिया के 100 लाख स्ट्रीट वेंडर्स में से 20 लाख स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं। अब आप खुद ही अपनी इमेजिनेशन पावर इस्तेमाल कर लो कि ये इंडिया भर में क्या ही गंद फैला रहे होंगे। पर क्या इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है? आखिर गवर्नमेंट इन गंदगी से भरपूर धंधों पर बैन क्यों नहीं लगा रही है? चलिए जानते हैं इन टुडेज वीडियो टाइटल अनहाइजीनिक स्ट्रीट फूड स्कैम्स। तो वीडियो की शुरुआत इसी बात से करते हैं जब इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पूसा वालों ने दिल्ली के पॉपुलर स्ट्रीट फूड जॉइंट्स का जायजा लिया और उनके फूड की टेस्टिंग की। तो भैया, इन लोगों को गोलगप्पे में खट्टी मीठी चटनी और मोमोज में मीट जैसे बाकी पदार्थों के साथ फेकल मैटर्स के ट्रेसेस भी मिल गए, यानी कि पॉटी के। और भाई, ये तो होना ही था, क्योंकि पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन 2014 वाले एक डेटा से पता चला था कि जहां 53% इंडियंस अपना कार्यक्रम पूरा करने के बाद हाथ नहीं धोते, वहीं 38% खाने के पहले और 30% बनाने के पहले नहीं धोते। तो सारा गंदगी कहाँ जाएगा? खाने में ही ना। और अगर गलती से ऐसा हो तो कोई क्या कर सकता है? पर यहाँ तो लोग जानबूझकर ऐसी घिनौनी गलतियाँ कर रहे हैं कि ना तुमसे देखा जाएगा और ना ही आगे आने वाली चीजें देखकर उन्हें खाया जाएगा। जैसे ये देखो, ये सोमड़ी में चाचा ने अपने कपड़ों के पीछे से अपने आप को हल्का करके चुपके से मग निकाला और ये मग का पानी अपनी खट्टी मीठी पानी पूरी की बाल्टी में डालकर ऐसे खड़े हो गए जैसे इन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। पर ऊपर वाले की दया माया से चाचा का ये कांड किसी ने अपने मोबाइल में कैद करके इसे दुनिया भर में वायरल कर दिया। और चाचा उनका क्या था, इतना बड़ा कांड करने के बाद चले गए ससुराल सलाखों की हवा खाने। लेकिन चाचा को जेल जाने का नहीं, पर उन लोगों का दुख है जो अब इनकी खट्टी मीठी पानी वाली पानी पूरी नहीं खा पाएंगे। परंतु चाचा को एक सेकंड साइड में रखकर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये देखने के बाद भी आप गोलगप्पे खाना चाहोगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो रुको, मेरे पास आपके लिए मुंबई में ही सिचुएटेड इन महाशय का कांड भी है, जो अपने गोलगप्पे के स्टॉल की आड़ में पहले तो चुपके से हल्के ओलिए और फिर अपने लोटे में भरे पानी को भरकर इन्होंने उसे पीने के पानी वाली टंकी के ऊपर रख दिया ताकि इनकी स्टॉल पर आने वाला कोई भी इंसान प्यासा न रह जाए। मानते हो ना, पुरुष हो तो ऐसा। और जब महापुरुषों की बातें निकल ही गई हैं तो इन्हें भी देख लो, जिन्होंने गोलगप्पे को अनहाइजीनिक बनाने में दो पैसे की कसर नहीं छोड़ी। कोई कहीं बिना ग्लव्स के अपना पूरा हाथ गोलगप्पे के पानी में डालकर पानी के साथ अपने पसीने और कीटाणु घोल रहा है, तो कोई गंदगी से भरे डब्बों को पानी में डुबा रहा है। और इस इंसान ने तो हद ही कर दी, जो अपने हाथों की सफाई आगे पीछे हर जगह पर किए जा रहा है। ये देखने के बाद तो बस यही दुआ है कि इन गोलगप्पे वालों से गोलगप्पे खा चुके लोगों को भगवान शांति दे। खैर, अगर ये सब देखकर आपको ऐसा लगता है कि बस गोलगप्पे वालों ने ही गंद मचा रखी है, तो मैं बता दूं, बड़ा पाव से लेकर छोले भटूरे, लिट्टी चोखे से लेकर डोसे और ढोकले से लेकर घुगनी, सबका यही हाल है। तभी तो 2007 स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के स्ट्रीट फूड में हाइजीन और सेफ्टी दोनों ही मैंडेटरी इंग्रेडिएंट्स नहीं पाए गए थे। और अगर कोलकाता और उसके आसपास के एरिया की बात करें तो वहां 85% ऑफ कंटेमिनेशन पाया गया था, जिसके चलते 2007 में ही मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एक पायलट प्रोजेक्ट के साथ आने की तैयारी में थी, जिसके थ्रू गवर्नमेंट स्ट्रीट फूड को हाइजीनिक और साफ बनाने की कोशिश करने वाली थी। लेकिन स्ट्रीट फूड का हाल आज भी वही है, लोग नाले के पानी में सब्जियां धोते हैं और पकड़े जाने पर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इन भाई साहब कोई देख लो, जो पकड़े जाने के बावजूद अपनी सब्जियां धोने में लगे हुए थे। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, कमाल है। और ऐसा करने की हिम्मत इन स्ट्रीट फूड वेंडर्स में और कहीं से नहीं, पर गवर्नमेंट के नेग्लिजेंस और करप्शन से आती है, क्योंकि गवर्नमेंट इन पर लगाई गई पाबंदियों को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती और इसी का फायदा उठाकर करप्ट ऑफिसर्स वेंडर से पैसे खाकर उन्हें इस तरह बाजार में बीमारियों की दुकान लगाने का मौका दे देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं ऑन टू द नेक्स्ट बीमारी की दुकान। आई नो आप यही सोच रहे होंगे कि अब मैं आपको बताऊंगा और आप अपने किस फेवरेट फूड को
रेस्ट इन पीस कहोगे, है ना? वेल, बिना इंतजार आपकी खातिर पेश खिदमत है नान, जिसे लोग बटर नहीं आजकल थूक लगाकर बना रहे हैं। बिल्कुल शादी में पहुंचे इस शाही खानसामे की तरह, जिसके हाथों से बने इस नान को पूरी बारात ने बड़ा स्वाद लेकर खाया था। पर पूछे जाने पर भी इसने नान के स्वाद में चार चांद लगाने वाले अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के बारे में किसी को नहीं बताया। पर चोरी चोरी चुपके चुपके निकाले गए इस वीडियो ने नान बनाने वाले की पोल खोलकर उसकी वाट लगा दी, क्योंकि वीडियो देखने के बाद पूरे बारातियों ने मिलकर इस खानसामे को ढूंढा और फिर पीट पीट कर इसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब ये बेचारा हवालात में नान बनाता है पर अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के बिना। लेकिन ये भाई साहब अकेले नहीं है जो आपके फेवरेट खानों के जायके को बदलने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। नो, थोड़ा क्रेडिट इन्हें भी दो जो चाट चाट कर और अपने पैरों से आपके सुबह वाले ब्रेकफास्ट टोस्ट को बीमारी का घर बनाने के लिए कच्चे बनियान पहने लगे हुए हैं। लेकिन नहीं, सिर्फ ये देखकर टोस्ट से नाता तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये भी है। हाँ, इसी तरह पैरों से ही आटा गूंथ कर आपके टोस्ट और पाव में तेज भरा जाता है। और अगर कहीं कोई कमी रह जाती है तो कुछ इस तरह ये लोग अपनी बगल का माल अपने खुजली करते हाथों के जरिए गुथे हुए आटे तक पहुँचाते हैं, ताकि आपकी खातिर में कोई कमी न रहे। अब जब भी आपका टोस्ट और पाव खाने का मन करे तो इन मेहनती